जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सांसद आजम खान आज भी कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसमें कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि 82 के तहत मुनादी व नोटिस चस्पा से लेकर जो भी कार्यवाही कोर्ट की तरफ से की गई है, उस पर आजम खान की तरफ से अमल नहीं किया गया है। लगातार आजम खान कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उसके बाद भी आजम खान कोर्ट नहीं पहुंच रहे, जिससे अब कोर्ट ने अगली तारीख 11 फरवरी दी है, जिसमें आजम खान को पेश होना ही है। 24/1/2020 को अदालत में हाजिर हो। सुनो सुनो सुनो, थाना दल जिला रामपुर पर दर्ज मुकदमा नंबर 4/19 के निजालिम अदालत स्पेशल जज MP MLA कोर्ट रामपुर की तरफ से मोहम्मद आलम खान वर्ग जरा मुमताज खान मोहतरमा तरमूज फातिमा जरा आलम खान और अब्दुल्ला आजम खान। आजम खान द्वारा अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में ये मुकदमा चल रहा है, जिसमें तीनों के विरुद्ध अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा, इन तीनों के विरुद्ध कुर्की की नोटिस के आदेश हो चुके थे, जिसमें अभी पूरे जनपद में मुनादी कराई गई थी, उसी मामले में आज तारीख थी। कोर्ट ने आज इसमें कुर्की के लिए पुलिस से आख्या मांगी है। मैंने इसमें एक प्रार्थना पत्र लगाया था कि मुझे कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला है कि आजम द्वारा अपने घर का जो कीमती सामान है वो वहाँ से हटाया जा रहा है, जिसको कोर्ट ने आज संज्ञान में लेते हुए तुरंत थानागंज से उसमें पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। 11 फरवरी उसमें लगी है और मेन इसमें यह है कि जो कुर्की के लिए पुलिस की आख्या जैसे ही आ जाएगी तब कुर्की का आदेश। क्या लगता है आपको कि आप इस मुकदमे में बादी हैं? अभी तक आजम खान को कई बार मतलब मुनादी भी उनकी की जा चुकी है, उसके बाद भी कोर्ट पे पेश नहीं हुए। देखिए, जिस तरीके से आजम खान ने लोकसभा में ये बोला था कि मेरे दामन पे एक भी दाग नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई दाग नहीं है या कुछ अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो सामने आना चाहिए। कोर्ट से बचने का क्या मतलब है? मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि यहाँ पर मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज कोर्ट ने क्या अपना फैसला सुनाया? कोर्ट ने आज जो कुर्की के जो आदेश होते हैं उसमें पहले आख्या मांगी जाती है, क्योंकि 9 तारीख को इसमें जिले में मुनादी की गई थी, तो इसमें एक महीने का समय होना ज़रूरी होता है, तो इस वजह से उन्होंने 11 तारीख रखी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे 11 फरवरी को जो कोर्ट का जो फैसला होगा वो बड़ा फैसला होगा।